गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे और नए व्लॉग में। आज संडे है, मतलब पूरा भगवान का दिन, और करने को कुछ और था नहीं। आज वैसे जाने वाले थे हम अपने मौसी के यहाँ, लेकिन वो प्लान ड्रॉप हो गया क्योंकि कार पापा लेके गए, उनको कुछ काम था। और आज घर पे मैं, अचल और निशु ही है। हमने सोचा कि क्यों ना लंच हम बाहर जाके करें, तो इसीलिए आज हम लंच करने के लिए सेवसन खाने जा रहे हैं, जहाँ पे लास्ट टाइम हम गए थे। और लास्ट टाइम हर्षल और रुद्र भी हमारे साथ ज्वाइन हुआ था, तो उसी जगह पे हमने जाने का प्लान किया है, तो मिलते हैं वहीं पे। इसको सबर को पता चलेगा, सुबह को पता चलेगा क्या ये जो खाया ना अभी। स्पाइसीएस्ट खाना है इसका, पूरा स्पाइसी। हाँ, तो हमारा लंच कंप्लीट होता है। काफी दिन हो गया, लास्ट टाइम हर्षल और उद्रा के साथ आए थे, वही लास्ट टाइम था। और निशु, अचल और मुझे बहुत मजा आया। तो अभी इधर एक दादू सोडा करके है, जहाँ पे हर वक्त हम वहीं पे सोडा पीते, जो ओल्ड भरूच है वहाँ पे। तो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं ये सब सोडा के। हेलो गाइस, सोडा के वो है, फैन है, फैन निशु का तो पता ही है आपको। कंप्लीट भाई, मजा आ गई यार। मैंने पूरा कॉलेज अपना यही पीते पीते खत्म किया है, मतलब बहुत पिया ये सोडा। एक्चुअली ये लोकेशन जो है ना, वो ओल्ड भरूच है, तो पूरा सिटी चीर के आपको इस साइड आना होगा। हमारे यहाँ ऐसा वाला सोडा मिलता नहीं है, हमें थम्स अप वगैरह ही पी के काम चलाना पड़ता है। बराबर से कितनी पी भाई? एक। असल भाईवा की नहीं, भाईवा वो भाईवा, वो भाईवा वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, ऐसा है फेफड़ा फट जाता है, गैस उड़ जाएगा, एसिडिटी सब फट जाएगा, सब फट जाएगा। तो अभी थोड़ा सा काम है सिटी में, और एक दो काम है तो वो खत्म करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। तो सिटी में से जाके फिर बाद में 2 घंटे जैसा हमने नैप ले लिया। सच में ना गर्मी लगा ना बाहर, बहुत धूप लगा। अगर लंच के लिए जाना ना होता तो हम बाहर जाते ही नहीं, लेकिन एक दो और भी काम थे तो इसके लिए हमें जाना पड़ा था। थोड़ा जरूरी था क्योंकि वीकेंड पे ही हो सकता था, बाकी मंडे से सैटरडे तो जॉब ही रहता था, तो क्या वो काम खत्म होगा। बाकी धूप ऐसा कि ग्लूकोन डी साथ में ही लेके जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे, पूरा मतलब हालत बिगाड़ देता है यार, सच में बहुत गर्मी है। तो ऐसी गर्मी में घूमने भी क्या जाए। तो जो अचल वड़ा पाव लेके आया है, राजा रानी करके कुछ ओपन हुआ है। हाउ इट इज? 50 टका। एक्चुअली ये वड़ा पाव की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 10 रुपए है, मतलब 10 रुपए में पूरा एक वड़ा पाव, क्योंकि नॉर्मली जो प्राइस रहता है वो 20 रुपए 30 रुपए ऐसा करके होता है, लेकिन ये सिर्फ 10 रुपए। अभी 10 रुपए तो 10 रुपए जैसा ही होगा। हाँ, तो फिर थोड़ी देर के बाद हम स्विमिंग करने चले गए थे, और डिनर हमारा आज भिंडी की सब्जी और आम रस होने वाला है। गर्मी दोपहर को बहुत लगी, लेकिन अभी मस्त पवन आ रहा है। हमने एक ऑर्डर भी किया है मंचूरियन का, ऑलिव ऑयल, क्या नाम है निशु? ऑलिव एंड ब्रोस।
नाम भी इतना मतलब पता नहीं चला क्या है, तो ऑलिव एंड ब्रोस जो भी है वहाँ से मंचूरियन ट्राई करने के लिए अभी ऑर्डर किया है, तो जैसे आता है हम आपको बताते हैं। हाँ जी, तो हमारा पार्सल रिसीव हो चुका है, पता नहीं कैसा है क्या है, ये कुछ ब्रांड है इसका, तो जल्दी से अनबॉक्सिंग करते। डब्बा तो अच्छा है यार, अभी पता नहीं मंचूरियन कैसा होगा। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन अभी ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है। अन इसको टेस्ट करके दिखाओ, तुम्हारा जजमेंट अच्छा होता है। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत मस्त। आईब्रो ऐसा ऊपर नीचे हुआ? कुछ भी, मतलब पहले जो टेस्ट आया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी मैंने पूरा खा लिया ना तो इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसे रुई रुई होती है ना ऐसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो बहुत अच्छा। तुम टेस्ट कर लो, अभी हम ट्राई करेंगे। लाया बापू, स्टार्टिंग में थोड़ा नमकीन है, थोड़ा बीच में स्पाइसी आता है, और लास्ट में जो स्मोकी टेस्ट छोड़ता है ना, मजा आ गया। वैसे लारी मतलब जो रहती है छोटा सा स्ट्रीट वाली जो हम खाते हैं अक्सर, वैसा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा वाला रेस्टोरेंट है। हम लोग कभी नहीं गए यहाँ पे, और ये ऑर्डर हमारा पहली बार है, मतलब लाइफ में कभी हमने खाया नहीं है, तो आज सोचा कि चलो मंगवाते, ट्राई तो करते कैसा आता है। लेकिन वर्थ इट है, कुछ हमें 150 अराउंड पड़ा हमें, और टैक्स लगा के कुछ 180 जैसा हमें पड़ा, लेकिन अच्छा है, टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है, वर्थ इट है। क्या लाइफ का, हमारे लाइफ का सबसे पहला महंगा मंचूरियन जिसके लिए हमने 180 पे किया है। हमारे लाइफ का सबसे महंगा पहला वेला महंगा मंचूरियन। मैं ऐसा नहीं बोली, बोलते बोलते भी हकलाते हैं, तो इसको भी देर नहीं लगाते, ठंडा बर्फ जैसा हो जाए उससे पहले खाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ब्रूनो, 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 ठंडी हो या गर्मी हो, बारिश हो या जो भी हो, ठंडा पीना ही पीना है। लोग दारू पीते हैं तो इधर ये ठंडा पीते हैं। बारह मास हमारा ये शेड्यूल चलता रहता है, हमारे मैं भी पीता हूँ। वैसे वो अभी जो डॉगी था उसका नाम ब्रूनो है, जब वो लाए थे ना तो इतना क्यूट था, छोटा सा था, अपने सोसाइटी में ही रहता है, तो उनसे अपना अच्छा थोड़ा सा कनेक्शन हो गया है, तो काफ़ी दिनों के बाद हम भी काफ़ी दिनों के बाद ही मिले ब्रूनो से। हमारी निशो को तो वो तुरंत पहचान जाता है, अगर मैं ऐसे ब्रूनो भी बोलती हूँ या सिटी मारती हूँ ना तो वो तुरंत ही मेरे पास आके मेरे पैर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत दिन हो गएगा ना तो वो अभी पहचानना थोड़ा भूल गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डॉग एक्चुअली इसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ ब्रूनो ही ऐसा है जो इसको मतलब अच्छा लगता है, वो लास्ट सा ब्रीड है, बाकी ये डॉग वगैरह एनिमल ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है। रैबिट भी इसको मतलब बहुत समझा है उसके बाद लाए थे। हाजी, तो अभी जस्ट घर आए, और भाई एक राउंड जैसे तैसे हमने लगाया, बहुत गर्मी है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा पसीना निकल गया। तो जी, आज हमारा संडे इतना खास तो नहीं बना, खाते पीते बस हमने निकाल लिया, नया तो नहीं दिखा पाया हम आपको, लेकिन मुझसे जो भी पॉसिबल हो रहा है, मैं जितना कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी कहीं घूमने का तो प्लान ऐसा है कि नीशु की भी थोड़ी तबीयत अभी अच्छी नहीं रह रही है, तो थोड़ा अभी इसके लिए हम कहीं जा भी नहीं रहे, और ये थोड़ा गर्मी वाला थोड़ा अच्छा हो जाए उसके बाद हम कहीं पे जाने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए हमारे वीडियोस को। बाय।